यारो क्या हाल है। वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस, ये वीडियो है आज से ठीक 3 महीने पहले का, जब मैं जो है हॉस्टल जाने वाला था। सो फॉर नाउ इट्स नॉट अ व्लॉग, इट्स बेसिकली स्मॉल स्टोरी व्लॉग। सो लेट्स गो। सो यार, ट्रेन में बैठ चुके थे और ट्रेन में बोर हो जाओ ऐसा तो हो सकता है नहीं। फिर ये 9 घंटे का सफर अपनी रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो दिन से रात कब हुई ये तो पता नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, हम जोधपुर पहुंच चुके थे और अब हम जाने वाले थे मेरे दोस्त के रूम पे। तो अब वीडियो का असली मजा शुरू होने वाला है। सो लेट्स गो। गाइस फाइनली पहुंच गए हम यहाँ पर, अभी रूम पर है और ये देखिए तो सामान हो गया है हमारा। आज इतना सारा भी हम लेके आए, अभी जस्ट पहुंचे हैं यहाँ पर। हमारे बालूटिया साहब आते ही पबजी खेलने लग गए भाई। और मैं जो है सुबह वापस मेरे हॉस्टल के लिए निकलूंगा, अभी मैं इसके रूम पर रुका हुआ हूँ। तो ये फिर अगली सुबह उठाया मेरा ट्रॉली और बैग और बैठ गया ऑटो में। फिर था बस पहुंचने का इंतजार और फिर मैं फाइनली पहुंच गया। सो ये था मयूराक्षी कैंपस का एंट्रेंस गेट, ये था खुद मयूराक्षी का कैंपस, ये था मेरा कॉलेज, ये है कॉलेज में क्लासरूम, ये था हॉस्टल, ये था हॉस्टल का हमारा रूम, ये था हॉस्टल का जिम और ये था हॉस्टल का खाना। ये था सब कॉमन। अब कुछ बात आती है एडिशनल मज़े की। पढ़ाई के साथ साथ हर संडे घूमना फिरना भी चल रहा था। आए हुए दिन तो 100 हुए थे, लेकिन यादें हजारों बन गई थी। खूब सारे नए दोस्त भी बन गए थे, मस्तियाँ भी बराबर चल रही थी, जिसमें सबसे मेन था ये, रातों को 1-1 बजे तक बिन मतलब नाचना था। इसमें रूल नंबर 1 था नाचो और रूल नंबर 2 था जो नहीं नाच रहा उसे भी लपेटो। फिर एकदम से वार्डन का आ जाना। एक मिनट, अब आप लोग सोच रहे होंगे पढ़ते भी थे क्या? सो दैट्स ऑल ओवर इज ओनली फॉर कंटेंट, अदरवाइज पढ़ने के लिए ही गए हैं। अभी भी याद है एग्जाम के 1 दिन पहले के वो रट्टे। और ये हैव अ कपल डांस इन द मिडनाइट। जोधपुर में 3 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, जितना अच्छा कॉलेज था उससे कई अच्छे टीचर्स और फ्रेंड्स मिले। पढ़ाई के साथ साथ ये मज़े भी चलते रहे और हम भी कह सके वो दिन भी क्या दिन थे। सो गाइस, ये है मेरा रूम। अबे क्या कच्चे सुखा रखे और ये रूम सही कर व्लॉग बना रहे। वो दिल भी क्या दिल थे।